हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस चैनल में। आज हम शुरू करने वाले हैं बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का सिग्नलिंग। ठीक है, ये जो सिग्नलिंग होता है ये एक प्रकार का GPCR सिग्नलिंग होता है। GPCR सिग्नलिंग में बहुत सारे सिग्नलिंग होते हैं जिसमें एक है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की सिग्नलिंग। ठीक है, तो देख सकते हैं ये बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की जो सिग्नलिंग होती है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल पर डिपेंड करती है। यदि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो ये सिग्नलिंग एक्टिव हो जाती है। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हम बहुत सारा भोजन कर लिए हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारा ग्लूकोज इंटेक हो गया है, अंदर चला गया है। ठीक है, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ब्लड की ग्लूकोज लेवल कितनी होती है, 70 to 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मतलब 100 ml ब्लड में ग्लूकोज 70 से 120 मिलीग्राम होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए, ये रेंज है। ठीक है, 100 ml ब्लड में। ठीक है, डेसीलीटर मतलब 100 ml ब्लड। तो देखिए, यदि ये है, ये तो नॉर्मल रेंज है। यदि मैं भी भोजन किया हूँ, ग्लूकोज लिया हूँ, तो मेरे बॉडी में ग्लूकोज की लेवल बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, मान लीजिए 120 है, और एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है, मैंने जो फीड कर लिया, इंटेक कर लिया, एक्स्ट्रा ग्लूकोज लीवर के हिपेटिक सेल में जमा हो जाता है। किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, तो ग्लूकोज किसमें बदल गया, मेरे लीवर सेल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में बदल गया। प्रोसेस क्या कहलाती है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का बनना। ठीक है, तो ग्लूकोज किसमें बदल गया, ग्लाइकोजन में। कहाँ पे बदल गया, ये लीवर सेल में, हिपेटिक सेल में। ठीक है, तो यदि मान लीजिए लंबे समय तक मैं फास्टिंग कंडीशन में चले जाता हूँ, लंबे समय तक भोजन नहीं लेता हूँ, तो मेरी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल थी जो 120 तक चली गई थी, धीरे 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 उसका कंज्यूम होती जाएगी, धीरे धीरे उसकी लेवल क्या होती जाएगी, डाउन होती जाएगी। एक समय ऐसे आ गया कि धीरे धीरे 120 से 100, 100 से 80, 80 से 70, 70 से भी कम हो जाएगा। जब 70 से कम हो जाएगा तो मेरे ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, डाउन हो गया। ठीक है, इस प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूँ, मतलब इस कंडीशन को क्या बोलता हूँ मैं, कि हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, ब्लड की ग्लूकोज लेवल कम हो गई। तब मेरे पेनक्रियाज में पाई जाने वाली जो अल्फा सेल है, जहाँ से ग्लूकेगन निकलता है, या फिर एड्रेनल ग्लैंड के जो मेडुला भाग होता है, वहाँ से एपिनेफ्रिन निकलेगा, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, एड्रेनलिन के नाम से जानते हैं। तो अब क्या होगा, ये एपिनेफ्रिन या ग्लूकेगन लीवर सेल में जाके बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, ये लीवर सेल, मान लीजिए ये लीवर सेल था, ये ब्लड ग्लूकोज ब्लड वेसल्स था, ये ब्लड वेसल्स ब्लड ग्लूकोज लेवल को शो कर रहे थे यहाँ पे। यदि वो कम हुआ तो ये दोनों हाथ, दोनों में से कोई हार्मोन रिलीज होंगे, पेनक्रियास रिलीज होगा तो ग्लूकेगन अल्फा सेल से, अगर एड्रेनल मेडुला रिलीज होगा तो कौन, एपिनेफ्रिन। ठीक है, वो आके जैसे ही बाइंड हो जाएगा GPCR में, यहाँ से लेकर यहाँ तक की सिग्नलिंग को पढ़ने के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने GPCR के बारे में पूरा कंप्लीट रूप से एकदम एक्सप्लेन करके बताया हुआ है उसमें। ठीक है, तो जैसे GPCR में बाइंड हो जाएगी तो GS अल्फा एक्टिव हो जाएगा। आप देख सकते हैं कैसे एक्टिव होता है, वहाँ पर दो एंजाइम काम करते हैं, एक होता है ग्वानिल एक्सचेंज फैक्टर, दूसरा होता है GTPH एक्टिवेटिंग प्रोटीन। वो पूरा प्रोसेस उसमें बताया गया, आप देख सकते हैं। तो जैसे GPCR बाइंड हो जाएगा, वहाँ पर जी प्रोटीन का GS अल्फा भाग एक्टिव हो जाएगा, ये पार्ट। उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड एड्रेनालिन साइक्लेस एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, ये पूरा बताया गया। उसके बाद ही एड्रेनालिन साइक्लेस क्या करेगा, ATP को साइक्लिक एएमपी में बदल देगा। अब ये साइक्लिक एएमपी क्या होता है, सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर मतलब, अब इस मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस तक जो संवेदनाएं भेजना है, जो सिग्नल भेजना है, वो कौन करेगा, साइक्लिक एएमपी। इसलिए क्या कहलाता है, ये सेकेंडरी मैसेंजर। अब देख सकते हैं सेकेंडरी मैसेंजर क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज ए जो इनएक्टिव है उसको क्या कर लेगा, एक्टिव। जब ये प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव हो जाएगा, अभी एक प्रोसेस तो नहीं चल रहा है, ऐसा बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं, तो उसमें से कुछ प्रोटीन काइनेज क्या होते हैं, वो डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि काइनेज है, काइनेज मतलब फास्फेट जोड़ने वाला, फास्फोराइलेशन करने वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि कैसा काइनेज है, ये सेरिनथ्रेनिन काइनेज, मतलब जिस प्रोटीन में ये फास्फेट जोड़ेगा, उस प्रोटीन के कहाँ पे, कौन से एमिनेशन में फास्फेट जोड़ेगा, जहाँ पे सेरिन और थ्रेनिन होगा। तो एक प्रोटीन है क्रैब, कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। जैसे प्रोटीन काइनेज न्यूक्लियस के अंदर चला गया, प्रोटीन है क्रैब, साइक्लिक एएमपी रिस्पॉन्सिव एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन इसका नाम। ठीक है, तो क्रैब के ऊपर क्या करेगा, वो फास्फोराइलेशन, कहाँ पे फास्फोराइलेशन करेगा, जहाँ पर सेरिन और थ्रेनिन होगा। ठीक है, जैसे फास्फोराइलेशन कर देगा, ये क्रैब हो जाएगा एक्टिव। अब क्रैब क्या करेगा, ये जाके न्यूक्लियस के अंदर ही एक जीन को एक्टिव करेगा, जिसका नाम GLUT2 जीन। अब GLUT2 जीन से क्या होगा, GLUT2 प्रोटीन बनेगा। अब ये GLUT2 प्रोटीन बन के कहाँ चला जाएगा,
न्यूक्लियस से एक्सपोर्ट होके ये चला जाएगा हिपेटोसाइट सेल के या हिपेटिक सेल के मेम्ब्रेन में जाके फ्यूज हो जाएगा। ये रहा ग्लूट2। क्यों चला गया मेम्ब्रेन में? क्योंकि अंदर में हमने जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में जमा करके रखा है उसको हमको बाहर निकालना है, क्योंकि ब्लड में क्या हो गया, ग्लूकोज लेवल कम हो गया है। ठीक है, अब ये तो हो गया। कुछ प्रोटीन कैनेजे कहाँ चले गए? न्यूक्लियस के अंदर, क्रेप्स का जो ये जो सिग्नलिंग चल रहा है उसको उन्होंने चलाया। कुछ प्रोटीन कैनेजे क्या करते हैं? साइटोसोल में ही प्रेजेंस फास्फोराइलेज काइनेज बी जो इनएक्टिव फॉर्म में है, यहां पर जाके अगर फास्फेट जोड़ दिया, यहां पर जाके अगर फास्फोलेशन कर दिया, जैसे यहां फास्फोलेशन करेगा ये कैसा हो जाएगा? एक्टिव। तो ये जोड़ दिया फास्फेट, एक्टिव हो। अब भाई ये फास्फेट आता कहां से है? तो फास्फेट का जो मेन सोर्स होता है वो एटीपी होता है। क्या होता है? एटीपी। यदि हम एटीपी को तोड़ते हैं, यहां पर तीन फास्फेट है, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, तोड़ते हैं तो एडीपी निकल जाती है और फास्फेट जुड़ जाता है, हो जाता क्या ये? एक्टिव। ठीक उसी टाइम पे जैसे फास्फोराइलेज काइनेज ए एक्टिव फॉर्म में आ गया, अब ये कैसे हो गया ये? एक्टिव। जैसे एक्टिव फॉर्म में आ गया, ये एक और एंजाइम को जिसका नाम क्या है, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज बी, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में, ये भी क्या करेगा फिर? इसको फिर फास्फोरेशन कर देगा। जैसे फास्फोरेशन करेगा कहां पे करेगा? जैसे फास्फोरेशन किया, ये भी क्या हो गया अब? एक्टिव। ठीक है, एटीपी कहां, मतलब फास्फेट कहां से आया? एटीपी से आया, एटीपी को तोड़ दिया गया, एडीपी इनऑर्गेनिक फास्फेट में ये जाके जुड़ के ये हो गया एक्टिव। ठीक है, अब देखते हैं ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज करेगा क्या। ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज उस हिपेटिक हिपेटोसाइट सेल्स में जो हमने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करके रखा था, ये देख सकते हैं आप ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स लिखा हुआ है, ये छोटे छोटे ग्लूकोज हैं, बहुत सारे ग्लूकोज हैं दिख रहे हैं, ये आपस में जुड़ गए हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा, तो इसको बोलेंगे हम एक साथ ग्लाइकोजन बोलेंगे। पॉलीमर है, पॉलीसेकेराइड है ये। ठीक है, तो जैसे ही कौन आएगा, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज जैसे एक्टिव हो जाएगा, ये ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज फास्फोराइलेज है फास्फेट जोड़ने वाला, ये आया इस ग्लाइकोजन में जो ग्लूकोज दिख रहा है, ये प्रत्येक ग्लूकोज के एक एक करके सबको फास्फेट जोड़ते जाएगा, लेकिन जोड़ेगा कहाँ पे फास्फेट? इस ग्लाइकोजन में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। इस 6 कार्बन में से फर्स्ट कार्बन पे क्या करेगा, ये फास्फेट को जोड़ देगा। जैसे फास्फेट जोड़ देगा फर्स्ट कार्बन में, तो ग्लूकोज से मतलब ये ग्लाइकोजन जो दिख रहा है, ग्लाइकोजन से एक ग्लूकोज अलग हो जाएगा और क्या कहलाएगा, क्योंकि उस ग्लूकोज के कहाँ पे जोड़ा है, फर्स्ट नंबर कार्बन पे, तो ग्लूकोज 1 फास्फेट हो जाएगा। क्योंकि हमने ग्लाइकोजन को ब्रेकडाउन किया तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, ग्लाइकोजन लाइसिस, मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोजन का लाइसिस करना क्या कहलाएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, तो बन गया क्या, ग्लूकोज 1 फास्फेट, और ये लगातार इस प्रोसेस को करते रहेगा। और यहाँ पर जितना भी ये ग्लूकोज छोटे छोटे मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, मोनोमर दिख रहे हैं, इन सबको तोड़ तोड़ के किस फॉर्म में, ब्रेकडाउन करके किस फॉर्म में निकालते रहेगा, ग्लूकोज 1 फास्फेट के फॉर्म में। फिर दूसरा एंजाइम है हमारे पास फास्फोग्लूकोम्यूटेज, ये जो पहले नंबर कार्बन पे जो फास्फेट जुड़ा हुआ है उसको बदल के 6वें नंबर कार्बन पे चेंज कर देगा। ठीक है, तो अब जो ग्लूकोज, जिस ग्लूकोज में पहले नंबर पे फास्फेट है वो 6वें नंबर पे आ जाए तो क्या कहलाएगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो ग्लूकोज 1 फास्फेट किसमें बदल जाएगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। तो फास्फोग्लूकोम्यूटेज का काम क्या है, सिर्फ फास्फेट की पोजीशन को बदलना, फर्स्ट कार्बन से 6 कार्बन ले जाना। जैसे ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाती है, उसके बाद फिर दूसरा एंजाइम काम करता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट फास्फेटाइज, मतलब हमारे पास जो ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया है उसके फास्फेट को निकालने वाला, फास्फेट निकालने वाला हमेशा क्या होता है, फास्फेटाइज, जबकि फास्फेट जोड़ने वाला काइनेज। ठीक है, और फास्फोराइलेज भी बोलते हैं, फास्फोराइलेज भी फास्फेट जोड़ता है और काइनेज भी जोड़ता है, जबकि फास्फेटेज फास्फेट को हमेशा हटाता है, ठीक है, रिमूव कर देता है। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट फास्फेटेज क्या करेगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट से फास्फेट को हटा देगा तो क्या बचेगा, सिर्फ ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को हमको लेके कहाँ जाना है, ग्लूकोज को लेके जाना है हमको ब्लड में। अब ग्लूकोज कहाँ आ गया, ब्लड में, क्योंकि ब्लड की ग्लूकोज लेवल क्या हो गई थी, कम हो गई थी, अब धीरे धीरे ब्लड की ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसे करके गया, क्योंकि ग्लूकोज तो मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाएगा, हमने उसको फैसिलिटी दिया एक ट्रांसपोर्टर के द्वारा, ट्रांसपोर्टर का नाम क्या, ग्लूट2, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। ठीक है, इसका मतलब यह है ग्लूकोज डायरेक्ट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए उसको फैसिलिटी दिया जाता है, इसीलिए एक क्रैब प्रोटीन एक्टिव हुआ था और क्या बनाया था, ग्लूट2 बनाया था। लेकिन ये जो ग्लूट2 प्रोटीन होता है, ये जो ग्लूट होते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं, ये अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। जैसे ग्लूट1 ये पाई जाती है आरबीसी में, ग्लूट2 अभी हमने पढ़ा लीवर में हिपेटोसाइट सेल में, ग्लूट3 ब्रेन सेल में, ठीक है, ग्लूट4 एडिपोस टिश्यू में या फिर स्केलेटल मसल्स में, ग्लूट5 ये पाई जाती है हमारे इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल में, इसको एंटेरोसाइट बोलते हैं या इंटेस्टाइनल सेल्स बोलते हैं।
ठीक है, ये तो ग्लूट अलग अलग जगह पे पाई जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये प्रोसेस कैसे हुआ, मतलब प्रोटीन काइनेज ए दो प्रकार के फंक्शन कर सकते हैं। साइटोसोल में रहा तो ये सिग्नल चलाएगा और ग्लाइकोजन को बदल देगा किसमें, ग्लूकोज के रूप में, जिससे ब्लड की ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगी, जो कम हो गई थी वो बढ़ जाएगी। इस प्रकार से ये सिग्नल कब चलता है बोलने पर, जब ब्लड की ग्लूकोज लेवल कम हो जाती है तब ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जानने के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल से बताया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसको देख सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे हम कि यहाँ से यहाँ तक सिग्नल को ट्रांसफर होने में जितना टाइम लगा, इस साइक्लिक एएमपी उसी प्रोसेस को 20 गुना बढ़ा देता है, ठीक है। जबकि प्रोटीन काइनेज यहां तक आने में जितना समय लगा उसको 10 गुना और बढ़ा देता है। जबकि यहां पर हम देखें, ये हमारे पास क्या है, ये फास्फोराइलेज काइनेज, ये यहां से जो सिग्नल आया था उसको 100 गुना और बढ़ा देता है। सेम ऐसे अगर हम देखें ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज जो बी था ये ए हो जाएगा, ठीक है। ये यहां से जो सिग्नल आया था उसको उसका और 1000 टाइम बढ़ा देता है, 1000 गुना बढ़ा देता है। जबकि इस प्रोसेस को हम अगर देखें आगे, तो ये जो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते प्रोसेस कितना हो जाता है, लगभग 10000 गुना, मतलब 10000 टाइम स्पीड से चलता है। और ग्लूकोज जो कम हुआ था ब्लड में उसकी लेवल तुरंत बढ़ जाती है। जैसे ग्लूकोज की लेवल नॉर्मल आ जाएगी, जो कम हुई थी नॉर्मल पे पहुंच जाएगी, ये प्रोसेस कैसे हो जाएगा, फिर स्टॉप हो जाएगा। कैसे स्टॉप होगा, जैसे ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाएगा, ग्लाइकोजन का निकलना बंद हो जाएगा या फिर एपिनेफ्रिन का निकलना भी बंद हो जाएगा, इस प्रकार से सिग्नल बंद हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।